की गिरफ्त में खड़ा ये बागा नौजवान कुछ समय पहले दूल्हा बनने का सपना देख रहा था, लेकिन अब इसका भविष्य जेल की चार दीवारों के पीछे गुजरेगा, क्योंकि दूल्हा बनने के लिए इसने ऐसा काम कर दिया कि अब ये कानून का मुजरिम बन गया है। दरअसल 29 साल के इस युवा सुभाष यादव ने पैसे कमाने के लिए बैंक लूटने का प्लान बनाया, और हैरानी की बात देखिए कि अकेले के दम पर ही इसने बडवाहा स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सेंध लगाकर 1,27,000 रुपए चुरा लिए। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि सुभाष अपने दोस्तों को ग्रैंड पार्टी दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें कि इस दौरान चोर सिर्फ 12,000 रुपए ही खर्च कर पाया और पुलिस ने उसके पास से 1,15,000 रुपए बरामद कर लिए। दिनांक 7/1/22 की घटना है, जिसमें ग्रामीण बैंक के जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने थाने पर आके सूचना दी कि बैंक में किसी ने बैंक की दीवार खोदकर और लॉकर से कुछ रुपए लगभग 1,27,000 के आसपास चोरी करके और फरार हो गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करके अपराध कायम किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। उनके दिशा निर्देशन पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, जिन्होंने सूचना दी कि रोहनिया गांव में कुछ गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसमें से संदेहियों की पूछताछ की गई, जिसमें 29 वर्ष ग्राम रोहनिया उसके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया, तो जिससे पूछताछ की गई और जिसके कब्जे से 1,14,000, एक मोटरसाइकिल, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया और विधिवत जब्ती करके उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मिलाकर सुभाष ने बड़ी ही सफाई के साथ बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सका। ये पूरा मामला एक सीख है उन नौजवानों के लिए जो पैसे के लिए कुछ गलत काम करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।